प्रिय श्रोताओं, एक बार फिर मैं अनु कपूर आपके सामने प्रस्तुत हूं, हाजिर हूं हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर के तरानों और अफसानों को लेकर सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर, उस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अनु कपूर। थैंक यू। आज जो अफसाने आपके लिए लेकर आया हूं उनकी एक झलक पेश खिदमत है। आज मैं आपको बताऊंगा अभिनेता, हीरो, कलाकार प्रदीप कुमार जी के जीवन के बारे में, कैसे वो पहुंचे बंबई, क्या क्या संघर्ष किया और कैसे फाइनली बन बैठे अभिनेता। इसके अलावा आज मैं आपको बताऊंगा गीतकार इंदीवर जी के बारे में भी, किस बात पर इंदीवर साहब अपनी पत्नी से इतना नाराज हो गए कि एक झटके में अपना घर बार छोड़कर चले आए मुंबई नगरी और फिर पूरे जीवन भर वापस पत्नी के पास नहीं गए। अजीब दास्तां है ये। और सुनाऊंगा मधुबाला की वो बड़ी ख्वाहिश जिसे वो अपने जीवन में कभी पूरा ना कर सकी, और ये भी कि जब राजेश खन्ना के करियर पर ग्रहण लगने लगा तो उन्हें क्यों याद आए चेतन आनंद। ऐसी ही कुछ कहानियां होंगी, मजेदार किस्से। कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं अभिनेता प्रदीप कुमार जी के जीवन से। प्रदीप कुमार जी ने फिल्मों में एक लंबी पारी खेली थी। ये उनका भाग्य कहें, खुशकिस्मती कहें, नियति के उनके हिस्से में बहुत सारे सुपरहिट गीत आए। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, दिल जो न कह सका, बार बार तो है क्या समझाऊं, बड़ा कमाल कमाल के गीत। प्रदीप कुमार जी का जन्म पश्चिमी बंगाल में 4 जनवरी 1925 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। असली नाम था शीतल बटावली। प्रदीप कुमार बचपन से ही फिल्मों में काम करने का सपना देखने लगे थे। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए वो बहुत जल्दी ही रंगमंच से जुड़ गए, जबकि पिताजी बिल्कुल इसके अगेंस्ट थे। लेकिन पिता के विरोध करने के बावजूद प्रदीप कुमार ने रंगमंच पर काम करना शुरू कर दिया। 1944 में उनकी मुलाकात निर्देशक देवकी बोस से हुई। एक नाटक में प्रदीप कुमार के काम को देखकर देवकी बोस बहुत प्रभावित हुए। उन्हें लगा कि प्रदीप कुमार में एक स्टार बनने का पोटेंशियल है। इसी वजह से देवकी बोस ने अपनी बंगला फिल्म ओलखनंदा में प्रदीप कुमार को मौका दिया। फिल्म आई, चली नहीं, लेकिन तभी प्रदीप कुमार जी को दूसरी फिल्म मिल गई, भूली ना है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सिल्वर जुबली बना ली। इस कामयाबी के बाद, इस खुशी के बाद प्रदीप कुमार ने हिंदी सिनेमा की ओर कदम बढ़ाए। बंबई आकर उन्हें जल्दी ये समझ में आ गया कि बंबई में जम पाना मुश्किल काम है, काम आसानी से नहीं मिलेगा। खर्चा चलाने के लिए कि किसी तरह से सरवाइव कर लूं मैं इस शहर में, वो असिस्टेंट के तौर पर काम करने लगे कैमरामैन धीरेन डे के। कैमरामैन धीरेन डे के असिस्टेंट बन गए। साथ साथ एक्टिंग के लिए भी स्ट्रगल जारी रखा। स्ट्रगल के दिनों में उन्हें लगा कि शायद उनकी हिंदी उर्दू ठीक नहीं है, इस वजह से काम मिलने में दिक्कत आ रही है, तो उन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों की तालीम हासिल करनी शुरू कर दी। छोटे छोटे रोल मिले उन्होंने बगैर किसी हेजिटेशन के एक्सेप्ट कर लिए। अब किस्मत देखिए कि 6 साल के अंतराल के बाद ही उन्हें मिल गई फिल्म आनंद मठ। हालांकि इस फिल्म में पापा पृथ्वीराज कपूर जैसे स्टार भी थे, फिर भी प्रदीप कुमार अपने एक्टिंग की छाप छोड़ने में कामयाब रहे। आनंद मठ की कामयाबी के बाद प्रदीप कुमार एज एन एक्टर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गए। फिर उनकी एक और हिट फिल्म आई अनारकली। वो दर्शकों के दिलों में अपनी पैठ बना ही रहे थे कि तभी उनकी एक और फिल्म आई नागिन। पैर जमाने शुरू किए थे, पैर जम रहे थे, तब आई नागिन। और नागिन की अपार सफलता के बाद तो प्रदीप कुमार बन गए बहुत बड़े स्टार, और फिर लगातार कई सालों तक वो हिंदी सिनेमा के पर्दे पर छाए रहे। वापस आकर बताऊंगा कि वो क्या बात थी जिस बात पर पत्नी से नाराज होकर
गीतकार इंदिवर बॉम्बे चले आए और फिर क्यों जीवन भर वापस लौट कर नहीं गए अपनी पत्नी के पास। इंदिवर जी के जीवन की यह कहानी जानने के लिए सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर। ये कहावत है कि हर कामयाब इंसान के पीछे किसी ना किसी औरत का हाथ होता है और गीतकार इंदिवर की कामयाबी के पीछे भी उनकी पत्नी का खास योगदान रहा है। कहते हैं ना औरत का साथ हो तो बात बन जाती है, लेकिन यहां कहानी उल्टी है, वियोग की वजह से बात बनी। बात उन दिनों की है जब इंदिवर जी बंबई नहीं आए थे, थोड़ी थोड़ी शोहरत मिलनी थी सो मिल रही थी कवि सम्मेलनों के कारण। मध्य प्रदेश में होने वाले कवि सम्मेलनों में खास तौर से उन्हें बुलाया जाता था, आमदनी भी हो जाती थी, घर चल जाता था। अब एक ऐसा दौर आया जब इनकी बहन और बहनोई ने इंदिवर जी की मर्जी के खिलाफ दबाव डालकर इनका विवाह झांसी की रहने वाली एक लड़की से करा दिया जिसका नाम था पार्वती। बिल्कुल शादी नहीं करना चाहते थे, इसी वजह से अनमने से रहने लगे पत्नी के साथ और शादी के कुछ टाइम के बाद ही पत्नी से पीछा छुड़ाने की मंशा लिए तकरीबन 20 साल की उम्र में बंबई भाग गए। बंबई में 2 साल तक संघर्षों के साथ भाग्य आजमाने की कोशिश की। 1946 में फिल्म डबल फेस में इंदिवर जी के लिखे गीत पहली बार रिकॉर्ड हुए, किंतु फिल्म चली नहीं, नोटिस नहीं हुए, फ्लॉप हो गए और परिणाम यह हुआ कि इंदिवर को जल्द ही वापस अपने गांव बरुआ लौट जाना पड़ा। अब भाग्य का खेल देखिए कि जिस पत्नी से पीछा छुड़ाने के लिए वो घर छोड़कर भागे थे, अब उसी पत्नी से उनका धीरे धीरे अटैचमेंट, मोह, लगाव होने लगा और इसके चलते उन्होंने मन बना लिया कि वो उसे छोड़कर कभी वापस नहीं जाएंगे। लेकिन इंदिवर की पत्नी पार्वती को पता था कि उनका करियर यहां इस गांव में नहीं है, उनके हुनर की कद्र तो बॉम्बे में है। इसलिए धर्मपत्नी पार्वती देवी ने उन्हें वापस बॉम्बे जाने के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया, बहुत हौसला बढ़ाया, समझाया, बार बार कहा चले जाओ और फाइनली उन्हें बॉम्बे लौट जाने के लिए राजी भी कर लिया। आ गए बॉम्बे, धीरे धीरे छोटी फिल्मों में गीत लिखने का काम भी मिल गया। ये सिलसिला लगभग 5 साल तक चलता रहा। अब इंदिवर जी ने अपनी धर्मपत्नी पार्वती से गुजारिश की कि वो बंबई आ जाए, साथ रहे, परंतु पार्वती देवी ने हमेशा के लिए बॉम्बे में रहने से इनकार कर दिया। पत्नी के इस इनकार का इंदिवर जी को बहुत दुख, बहुत झटका लगा। वो पत्नी के ना करने से इतने नाराज हो गए कि उसे छोड़ दिया, छोड़कर अकेले बॉम्बे चले आए। स्ट्रगल, मेहनत रंग लाई और 1951 में लिखे उनके गीत ने धूम मचा दी। फिल्म थी मल्हार और गीत के बोल थे, बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम, ओ बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम। इंदिवर जी बुलंदियों पर पहुंच गए मगर अपनी पत्नी से उनकी नाराजगी खत्म नहीं हुई और नतीजा ये हुआ कि वापस लौटकर कभी अपनी पत्नी के पास गए नहीं। कोई बात चुभ गई, वो कौन सी अभिनेत्री थी जिसे पहली बार मिलकर मलकाए तरन्नुम नूरजहां इतनी इंप्रेस हो गई थी कि उन्हें अपने पति की फिल्म में दे डाला एक्टिंग का चांस। ये किस्सा सुनाऊंगा कुछ ही देर में, आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अनु कपूर सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर। सिर्फ 5 साल की उम्र में शशिकला ने स्टेज पर काम करना शुरू कर दिया था और हो गई फेमस शोलापुर में। जब 12 साल की रही होंगी तब फैमिली आ गई मुंबई। फिल्मों में काम करने के सपने सजाए शशिकला स्टूडियो स्टूडियो काम की तलाश में थी, तभी उनकी मुलाकात हुई नूरजहां से। नूरजहां जी पहली मुलाकात में ही शशि के टैलेंट से, उसकी फनकारी से इतनी मुतासिर हो गई, इतनी इंप्रेस हो गई कि उन्होंने तुरंत अपने निर्देशक पति शौकत हुसैन रिजवी से मिलवा दिया।
शौकत हुसैन रिजवी साहब उन दिनों एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था जीनत। पत्नी के कहने पर उन्होंने शशिकला को कहा कि काम करो, एक कव्वाली है उसमें तुम्हें पार्ट लेना है। याद कीजिए वो कव्वाली, आहें न भरी शिकवे न किए कुछ भी, न जुबां से काम लिया, इस पर भी मोहब्बत छुप न सकी जब तेरा किसी ने नाम लिया। इस कव्वाली में काम करने के लिए शशिकला जी को 25 रुपए मिले थे। उसके बाद शशिकला जी को फिल्मों में काम मिलने लगा। उनका मकसद था एक्टिंग करना, कहीं ऐसा नहीं था कि वो हीरोइन का काम करना चाहती हैं, इसलिए जो भी रोल मिले एक्सेप्ट कर लिए। अब गुड लक देखिए कि कई फिल्मों में वो हीरोइन भी बन गई। शशिकला जी ने लगभग 125 फिल्मों में काम किया और बीआर चोपड़ा की फिल्मों में उनके लिए खास रोल लिखा जाता था। हिंदी सिनेमा में शशिकला जी के योगदान को देखते हुए 2007 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। काका जी यानी राजेश खन्ना जी के करियर को जब लगने लगा ग्रहण तो उन्हें क्यों याद आए चेतन आनंद, बताऊंगा वापस लौटकर। सुनते रहें सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए रेडियो का नंबर वन शो, सुहाना सफर विद अनु कपूर। राजेश खन्ना साहब की पहली फिल्म का डायरेक्शन किया था चेतन साहब ने, उस फिल्म का नाम था आखिरी खत। संगीत दिया था खयाम साहब ने और गीत लिखे थे कैफी साहब ने। और उसके बाद हम सब जानते हैं कि राजेश खन्ना आराधना के बाद कैसे सफलता के शिखर पर पहुंचे, लेकिन चंद सालों के बाद ही राजेश खन्ना के करियर में ग्रहण सा लग गया था और कामयाबी सफलता उनसे दूर भागने लगी। तब उन्हें फिर से एक ऐसे डायरेक्टर की जरूरत पड़ी जो उनकी डूबती नैया को पार लगा सके। पहला नाम जो आया जहन में वो नाम था चेतन आनंद का। राजेश खन्ना जी ने चेतन साहब से कांटेक्ट किया। चेतन साहब उन दिनों फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे, तो चेतन साहब ने राजेश खन्ना से कहा कि काका सब्जेक्ट तो है पर पैसे नहीं हैं। चेतन साहब के दिमाग में स्टोरीज हमेशा बनी रहती थी। चेतन आनंद ने राजेश खन्ना को स्टोरी सुनाई। राजेश खन्ना को स्टोरी बहुत भा गई। एक हफ्ते के अंदर ही राजेश खन्ना एक प्रोड्यूसर के साथ आए, नाम था बीएस खन्ना। तय हुआ कि बीएस खन्ना फिल्म में पैसे लगाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे, चेतन साहब डायरेक्ट करेंगे और राजेश खन्ना एक्ट करेंगे। इस तरह से एक फिल्म का जन्म हुआ जिसका नाम था कुदरत। राजेश खन्ना को एक सुपरहिट फिल्म की जरूरत थी, इसलिए वो राजकुमार, हेमा मालिनी और विनोद खन्ना जैसे स्टार्स को भी ले आए। एक बेहतरीन कामयाब फिल्म का निर्माण हुआ। क्या थी मधुबाला की एक बड़ी ख्वाहिश जो अधूरी रह गई, ये बताऊंगा वापस लौटकर। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए रेडियो का नंबर वन शो, सुहाना सफर विद अनु कपूर। बात मधुबाला जी की और उनकी उस ख्वाहिश की जो अधूरी रह गई। बात उन दिनों की है जब प्यासा की शूटिंग चल रही थी। लेखक थे अबरार अलवी। तो जनाब एक दिन शूटिंग के सेट पर मधुबाला ने एक आदमी को भेजा अबरार साहब के पास। अबरार साहब को बोला उसने के घर पे बुलाया है। अबरार साहब जब मधुबाला के घर पहुंचे, मधुबाला ने कुछ रुपए दिए और कहा कि ये पैसे रखिए, आपको मेरे लिए एक फिल्म लिखनी है। मैं एक कॉमेडी फिल्म बनाना चाहती हूं जिसे डायरेक्ट भी मैं ही करूंगी। अबरार साहब उस वक्त और ताज्जुब में पड़ गए जब मधुबाला ने उन्हें कहानी का आइडिया भी सुना दिया। मधुबाला ने कहा मैं चाहती हूं कि हीरो और हीरोइन के माँ बाप उनकी शादी की तैयारी में लगे हों और वो दोनों अपने माँ बाप को दुश्मन बनाकर अपनी शादी टालने की कोशिश में लग जाएं, लेकिन ये सब करने के दौरान दोनों को आपस में प्यार हो जाए और दोनों जब खुद शादी का मन बना लें तब उनके द्वारा रची साजिश की वजह से माँ बाप उनकी शादी के खिलाफ हो जाएं। अबरार साहब को मधुबाला का ये आइडिया पसंद आया और उन्होंने मधुबाला से कुछ टाइम मांगते हुए कहा कि इसके लिए
आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, प्यासा अभी फ्लोर पर है, उसके कंप्लीशन के बाद ही कुछ हो सकता है। मधुबाला तैयार हो गई कि मैं वेट कर लूंगी, लेकिन जब प्यासा का कंप्लीशन हुआ तो मधुबाला तब तक बहुत सीरियसली बीमार हो गई थी। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने उस फिल्म को लिखवाया और मन में ये रखा, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट थी कि वो ठीक हो जाएंगी और एक फिल्म डायरेक्ट करेंगी। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। मद्रास में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान मधुबाला को अचानक खून की उल्टियां होने लगीं और डॉक्टर्स ने उनके काम पर रोक लगा दी। हालत बिगड़ती चली गई और कुछ ही वक्त बाद इस हसरत को लिए हुए मधुबाला चली गई। मधुबाला के डायरेक्शन में वो फिल्म कभी नहीं बन पाई, मगर उसी कहानी की थीम पर एक फिल्म 1959 में जरूर आई जिसे डायरेक्ट किया था जे ओम प्रकाश जी ने। फिल्म का नाम था चाचा जिंदाबाद। पर इस फिल्म से अबरार अलवी साहब का कोई लेना देना नहीं था। फिर कैसे जे ओम जी के दिमाग में मधुबाला की कहानी का प्लॉट आया? हो सकता है एक साथ एक विचार कई लोगों के दिल में आ सकता है। इत्तेफाक से इसी तरह की किसी कहानी के ऊपर मेरी भी एक फिल्म है, नए हीरो हीरोइन ने काम किया था उस फिल्म में, और वो ही फिल्म में मुझे पहली बार राजेश खन्ना साहब के साथ काम करने का मौका मिला। उस फिल्म का नाम था दो दिलों के खेल में, तकरीबन इस तरह की कहानी थी उसकी। वापस आकर हम स्टूडियो से फोन मिलाएंगे, बात करेंगे, प्रश्न सुनेंगे, प्रश्न का उत्तर देंगे। बात होगी हमारी ग्रेटर नोएडा के DS सागर से। आप हमारे साथ जुड़े रहें, सुनते रहें सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर। हेलो, हाँ, ग्रेटर नोएडा से DS सागर साहब बोल रहे हैं जी। नमस्कार सर जी, मैं DS नहीं जी, मैं BS सागर बोल रहा हूँ जी। बी फॉर बुरहानपुर? नहीं जी, बी फॉर भगत सिंह। बी फॉर भगत सिंह, हाँ ठीक है ना, BS सागर साहब बोल रहे हैं। तो सागर साहब, क्या सवाल पूछना चाह रहे थे आप? साहब सवाल तो मेरा ये था जी कि एक फिल्म आई थी दिल वाले दुल्हन ले जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और उससे बहुत दिन पहले आई थी मधुमति फिल्म। हाँ जी हाँ जी। तो उसमें मुझे ये पूछना था जी कि इसमें सबसे ज्यादा अवार्ड कौन सी फिल्म को मिले थे? अच्छा सागर साहब, मधुमति को 9 फिल्म फेयर अवार्ड मिले थे और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे इस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ दिया था, इसको मिले 10 फिल्म फेयर अवार्ड। और ये सही है कि इस फिल्म से पहले DDLJ से पहले मधुमति वो फिल्म थी जिसे सबसे ज्यादा फिल्म फेयर सम्मान हासिल करने का गौरव प्राप्त था। 1958 में रिलीज हुई थी मधुमति, इसने 9 फिल्म फेयर अवार्ड जीते थे डिफरेंट कैटेगरीज में, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड था। इसके 37 साल बाद आई है फिल्म, यानी कि 37 साल तक कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया था। 1995 में इसने रिकॉर्ड तोड़े दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 10 पुरस्कार जीतकर। इसके अलावा इस फिल्म को कुछ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिले थे, द मैंगो फिल्म फेस्टिवल 2004, फोर्थ पुणे इंटरनेशनल फेस्टिवल में भी इसे अवार्ड मिला और टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में भी इसे अवार्ड दिया गया। वहीं अपने जमाने में मधुमति ने 5 नेशनल अवार्ड जीते और 31st एकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के रूप में ऑफिशियल एंट्री भी की थी, जो अवार्ड्स DDLJ को प्राप्त नहीं हुए। तो अगर अवार्ड्स की तुलना करेंगे तो मेरे हिसाब से अभी भी मधुमति बहुत आगे है। जी 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 सर जी, एक मिनट में आपसे बात करना चाहता हूँ। तो बोल रहे हैं आपके लिए जी जी, मैं जानता हूँ आपसे मिलना तो बहुत ही मुश्किल, मेरा भी सपना है देखूं सुहाना सफर अनु कपूर जी की महफिल। वाह 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 वाह, क्या बात है सागर साहब, क्या बात है। ना मिल सके अगर आपसे जी, ना मिल सके अगर आपसे तो दिल को बहुत ही शिकायत होगी, अब देखना है सर कब हम पर आपकी इनायत होगी। अरे क्या बात है सागर साहब, आप तो लिसनर ही नहीं हो, आप तो कवि हृदय हो, कवि हृदय हो। मैं आपसे वास्तव में ही आपसे मिलना चाहता हूँ जी जी, मुझे आप एक बार मौका दें जरूर जरूर जरूर। कभी बॉम्बे आना हो, क्या हमारे मुंबई शहर में आना हो, या हमारा कभी कभी भी दिल्ली में प्रोग्राम रिकॉर्ड करना हुआ तो मैं हमारी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, बिग FM की टीम से, सुहाना सफर की टीम से, कि वो BS सागर साहब को ग्रेटर नोएडा से जरूर बुला लें। ठीक है जी, ओके, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। तो इस तरह से हमने बात की
ग्रेटर नोएडा के बी एस सागर साहब से, उन्होंने पूछा था अवार्ड्स के बारे में, अचीवमेंट्स के बारे में। एक बार फिर दोहराना चाहूँगा, SMS कीजिए हमें, प्रश्न पूछिए, आपका प्रश्न सेलेक्ट होता है, आपका नाम सेलेक्ट होता है, तो हम स्टूडियो से फ़ोन मिलाएंगे। हमारा SMS का नंबर है 55454-55454। प्लीज़ राइट बिग देन स्पेस देन योर मैसेज। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।